हेलो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, BBMKU के अंतर्गत RSP कॉलेज झरिया के द्वारा सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कितने पेपर का होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा, टाइमिंग क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम देने के लिए क्या लेकर जाना है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को डिटेल में दी जाएगी, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया RSP कॉलेज झरिया के द्वारा। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, प्रोग्राम फॉर BA BSc BCOM कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन सेशन 2022-26 वालों के अंडर NEP 2020। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम रूटीन प्रोग्राम। तो चलिए आप लोग का जो पहला एग्जाम होगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एग्जाम आप लोग का एक ही पेपर का होगा, सिर्फ मेजर पेपर का, इस चीज़ को आप लोग पता होगा, ठीक है। तो आप लोग पहला इंटरनल एग्जाम है 20 तारीख, ठीक है, 20 जनवरी 2023 को, ठीक है, यानी कि 20 जनवरी को। और टाइमिंग जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग रहने वाली, जिसमें फर्स्ट सिटिंग है टाइमिंग है 11 से 12 बजे तक, यानी कि इंटरनल एग्जाम आप लोग का एक घंटे का होगा। फिर सेकंड शिफ्ट में 1 से 2 बजे तक होगा, ठीक है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन डिटेल के साथ देखते हैं। तो आप लोग जो पहला एग्जाम 20 जनवरी को है, फर्स्ट शिफ्ट, टाइमिंग 11 से 12 बजे तक है, यानी कि आप लोग के 11 बजे तक एंट्री कर जाना है। और कौन से पेपर का एग्जाम होगा फर्स्ट टाइमिंग में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी ऑनर्स का सिर्फ मेजर पेपर का होगा, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, फिजिक्स ऑनर्स वालों का, केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का, जूलॉजी ऑनर्स वालों का, बॉटनी ऑनर्स वालों का, फिलोसफी ऑनर्स वालों का, संस्कृत ऑनर्स वालों का। ये फर्स्ट शिफ्ट टाइमिंग जो है 11 से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है 20 जनवरी को, ठीक है। ये फर्स्ट टाइमिंग, आप लोग का रूम नंबर, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी का रूम नंबर, जो हिंदी ऑनर्स वालों को रूम नंबर 1, 2 और 3 में बैठना है। इकोनॉमिक्स के लिए रूम नंबर निर्धारित किया गया, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, इस प्रकार रूम नंबर निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार सेकेंड शिफ्ट में भी एग्जाम होगा, कौन लोग का, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स वालों का, ठीक है। तो टाइमिंग सेकेंड शिफ्ट का जो टाइमिंग है 1 से 2 बजे तक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और रूम नंबर 1 से 7 तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट हिस्ट्री ऑनर्स वालों का टाइमिंग 1 से 2 बजे तक, ठीक है, और हिस्ट्री ऑनर्स वालों का है सिर्फ। और फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे लगभग 5-6 ऑनर्स पेपर वालों का है, जिनमें से हिंदी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिलोसफी और संस्कृत ऑनर्स वालों का, ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट टाइमिंग और सेकंड शिफ्ट में सिर्फ हिस्ट्री वालों का है 1 से 2 बजे तक 20 जनवरी को, आप लोग डेट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से 12 बजे तक, तो किन किन लोगों का, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, इंग्लिश ऑनर्स होगा और उर्दू ऑनर्स वालों का, ठीक है। रूम नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रूम नंबर 5, 6, 7, 2, 3, 4 और 1, इस प्रकार रूम नंबर निर्धारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट एग्जाम 24 जनवरी को, अब 24 जनवरी को किन ऑनर्स वालों का है, तो कॉमर्स ऑनर्स वालों का है, एक रूम नंबर 1 से 7 में बैठना है, ठीक है, 1 से 7 तक कॉमर्स ऑनर्स वालों का, ठीक है। टाइमिंग क्या है, फर्स्ट शिफ्ट 11 से 12 बजे तक, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा आप लोग का टाइमिंग और पेपर, एक ही पेपर का एग्जाम होगा, सिर्फ मेजर पेपर, यानी कि जो ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है। ये रहा आप लोग का रूम नंबर, टाइमिंग, कितने पेपर का एग्ज़ाम, तो एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को आप लोग पता होगा, ठीक है। अब आप लोग को एग्ज़ाम देने के लिए क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं नोट में, ठीक है। स्टूडेंट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग देयर रिस्पेक्टिव ID कार्ड और एडमिशन स्लिप विथ देम, अदरवाइज दे वुड नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द सेट एग्जामिनेशन, यानी कि आप लोग को एग्ज़ाम देने के लिए ID कार्ड है तो ठीक, नहीं तो आप एडमिशन स्लिप भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ID कार्ड नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप लोग का पास एडमिशन स्लिप होगा, आप उसको लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग का एग्जामिनेशन अलाउड नहीं करेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये कहा गया आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं RSP कॉलेज झरिया के द्वारा, ठीक, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहता। थैंक यू, धन्यवाद।